नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अली खान है और आप देख रहे हैं मल्टी केयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने मोबाइल के स्क्रीन को आप अपने टीवी में देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक MI का टीवी है और ये स्मार्ट टीवी है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक छोटा सा MI का मोबाइल है। मैं इसका स्क्रीन इस टीवी में कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। आपके पास एक स्मार्ट टीवी होना चाहिए जिसमें इनबिल्ट वाईफाई और मीरा कास्ट या क्रोम कास्ट का फंक्शन होना चाहिए। और आपके पास एक स्मार्ट मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपको जो है स्क्रीन शेयर करने के लिए स्मार्ट स्क्रीन या फिर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या ऑप्शन आता है टीवी में। तो MI का अगर टीवी है आपके पास तो आप यहाँ से, यहाँ पे अगर आप मोर में आएंगे तो मोर में आपको यहाँ पे एक दिखेगा वायरलेस स्क्रीन। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लोज़र अगर मैं आपको कम करके दिखाऊं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस स्क्रीन का आ रहा है एक, तो वायरलेस स्क्रीन पे आपको जाके क्लिक करना है। ठीक है, इसे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस ये वायरलेस डिस्प्ले ऑन हो गया और ये सर्च कर रहा है। ठीक है, अब इतने में आपको जो है अपने मोबाइल पे आना है। जैसे ये मेरे पास MI का है मोबाइल, इस पर मैं फोकस ला के दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास मोबाइल है MI का, तो इसमें अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट। हाँ जी, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आपको जाना है मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले का एक ऑप्शन आ रहा है, वायरलेस डिस्प्ले पे आपको ओके करना है इसे। और ये जो टीवी में जो सर्च हो रहा है ये आपको यहाँ पे सर्च होके दिखाएगा, MI TV लिविंग रूम, ये मेरे टीवी का नाम है। ठीक है, बस इस पर मुझे क्लिक करना है और ये कनेक्टिंग होने लगेगा। इसमें कोई भी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं टीवी में मेरा जो है मोबाइल का स्क्रीन इसमें दिखने लगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं जो भी चेंज करूँगा वहाँ पर ये दिखने लगेगा। ठीक है, अब अगर इवन मैं यहाँ पे प्ले स्टोर खोलूँ तो वहाँ पे भी ये प्ले स्टोर को दिखाएगा। आप देख सकते हैं दोनों का फोकस एक साथ नहीं आ रहा है इस कैमरे में, कोई बात नहीं, आपको टीवी का दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब को खोलता हूँ। ठीक है, यूट्यूब में एक आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स का एक आ रहा है ऐड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये प्ले हो गया। अब जब मैं इसे फुल स्क्रीन करूँगा तो ये जो है पूरे स्क्रीन में दिखेगा, ये यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से इसे बैक करेंगे, यहाँ पे वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा ये स्क्रीन जो है आपके टीवी में दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी करें, आप अपना कैमरा भी अगर ओपन करेंगे तो आपका कैमरा भी वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।